हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। कि एंगल 1 एडजेसेंट एंगल होगा एंगल 2 का। देखो जरा, इसको समझने के लिए मैं आपको इसकी फिगर समझा दूँ। मैंने आपको एडजेसेंट एंगल की 3 कंडीशन बताई थी। इन 3 कंडीशन को अगर ये वेरीफाई कर देता है तब तो ये एडजेसेंट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? एंगल 1 एंड एंगल 2, एडजेसेंट एंगल की 3 कंडीशन है। पहला, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब देखो, एंगल 1 है और एंगल 2। एंगल 1 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल AOC से। एंगल 2 को रिप्रेजेंट करेंगे एंगल COE से। तो जो O है, वर्टेक्स होगा इनका, ये इस वाले एंगल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये तो क्या कॉमन वर्टेक्स। पहली कंडीशन, दोनों में एक रे कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि देखो, इसमें OC आ रहा है इस वाले एंगल में, एंगल 1 में AOC में, और एंगल COE इसमें भी OC आ रहा है, दोनों में रे भी कॉमन आ रही है, दूसरे कंडीशन में वेरीफाई होगी। तीसरी कंडीशन थी ओवरलैप करने की। ओवरलैप का मतलब एक एंगल दूसरे एंगल में नहीं जाना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। जैसे मानो पहला एंगल हमारा ये हो गया कंप्लीट, सेकंड एंगल इसके बाद शुरू होता है, यानी ये एंगल इसके अंदर नहीं आता। नहीं आता इसका मतलब ओवरलैप नहीं करता है, इस वजह से ये क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन रे OC है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इस वजह से एंगल 1 एडजेसेंट एंगल होगा एंगल 2 का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, AOC एडजेसेंट है एंगल AOE का। अब देखो, AOC निकालते हैं, AOC हमारा ये वाला एंगल होगा, AOC। दूसरा एंगल कौन है? AOE, ये वाला एंगल आ गया। पहला AOC सिर्फ इतना वाला एंगल है, और जो हमारा AOE आया है, AOE हमारा ये वाला एंगल होगा, AOE। अब ध्यान से देखना, हमें चेक करना है एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। पहला, AOC AOE O वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, AO लाइन है, AO रे हमारी इस एंगल में भी आ रही है और इस कंप्लीट एंगल में भी आ रही है, बट ये ओवरलैप कर रहा है। क्यों? जैसे AOC है, AOC के ऊपर हमारा AOE बना हुआ है, ये छोटा सा है, ये देखो इसके ऊपर से होता हुआ ये एंगल गया है, तो यानी कि इसको ओवरलैप कर देता है। ओवरलैप कर देता है तो इसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करें, इस वजह से एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। क्लियर? अब तीसरा पार्ट देखो, बोला है COE और EOD लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, सीधी लाइन बननी चाहिए। सीधी लाइन बन जाती है तो लीनियर पेयर होगा, नहीं बनती तो नहीं होगा। COE ये वाला एंगल है, COE। ठीक, दूसरा है EOD ये वाला, EOD। अब देखो जरा, बिल्कुल सीधी लाइन बन चुकी है हमारी, फिगर में देख लो, एंगल 2 है और EOD है, ये कंप्लीट एंगल 3 और 4, दोनों को मिलाने पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये एक लीनियर पेयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बनने से लीनियर पेयर ये होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, जैसे COE एंड EOD फॉर्म है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बनाते हैं। चौथा पार्ट देखो, BOD और DOE सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब भी क्या होता है? 180 डिग्री एंगल बनाना। 180 डिग्री बनने का मतलब है वही सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। 180 डिग्री बनना चाहिए बस। BOD देखो जरा, BOD यानी कि एंगल नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, BOD ये बना दिया। दूसरा है DOE, ये लो जी। तो दोनों एंगलों को अगर देखा जाए, यहाँ 4 आ रहे हैं, 5 आ रहा है, ये हमारे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की कंडीशन होती है, दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 4 दोनों को जोड़ने पे सीधी लाइन बनी, यानी 180 डिग्री बना, तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों का समय 180 डिग्री आ रहा है, दो का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तभी उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, चाहे 4 और 5 लिख लो, चाहे वह इसको BOD और DOA लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ लिख देंगे
दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। पांचवा पार्ट देखो, एंगल वन वर्टिकली अपोजिट एंगल है फोर का। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको एक्स की, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं कि एक्स की कंडीशन बनती है नहीं बनती है। तो देखो एंगल वन ये रहा हमारा और एंगल फोर ये रहा, ये हमारा कंप्लीट। देखो एक्स बन रहा नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारा एंगल वन आ रहा है, यहाँ एंगल फोर आ रहा है, एक दूसरे के उल्टे बन रहे हैं ये, तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। यस एंगल वन इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, ये दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। पार्ट नंबर फाइव हो गया। सिक्स देखो, बोला व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ फाइव, फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? तो मैंने आपको क्लियर कट बताया, एक्स बनना चाहिए बस। एंगल फाइव हमारा ये रहा, तो फाइव को मैंने यहाँ रखा। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर होते हैं, इस वाले का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ही वाला होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको एंगल फाइव को अगर मैं डिनोट करूँ तो ये ए ओ डी है, इसका हो जाएगा सी ओ बी, ठीक है। एंगल फाइव रिप्रेजेंट करता है एंगल ए ओ डी को, तो एंगल ये वाला है बराबर होगा इसके, ये रिप्रेजेंट करेगा बी ओ सी के, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा? बी ओ सी। एंगल फाइव बराबर होगा बी ओ सी के, बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वजह से एक दूसरे के क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है। हमसे ये पूछा था कि फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? बी ओ सी को, दोनों बराबर होते, इसलिए मैंने एक दूसरे के बराबर कर दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।